Hi guys, today I will teach you how to make a nose easily. तो कुछ आप ये देख सकते हैं, कुछ samples हैं, मैं इसको बताऊंगा कि आप easily कैसे ये nose बना सकते हैं. तो आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा भी और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगा. और हम ऐसे ही धीरे धीरे lessons अपने कवर करेंगे जो हमारे, जैसे बहुत से जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको प्रॉब्लम्स आती है फेस बनाने में. तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं कि हम एक एक चीज़ को पकड़ के पहले लर्न करेंगे, देन उसके बाद मैं पूरा आपको फेस बनाना सिखाऊंगा, इमेजिनेशन कैसे आप एक फेस बना सकते हैं. तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो जिनको इंटरेस्ट हो फाइन आर्ट्स में. और इस वीडियो को आप एंड तक देखें क्योंकि बीच बीच में मैं जिस टाइम मैं बनाता रहूँगा कुछ आपको टिप्स भी बताता रहूँगा कि कैसे आप बना सकते हैं इसको. ठीक है, थैंक यू. तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं. और ये मेरे पास पेंसिल का बॉक्स है, आप देख सकते हैं, थोड़ा बोर्ड में सीधा कर दूँ पहले. तो ये मेरे पास पेंसिल का बॉक्स है और ये मैं पेंसिल इसमें यूज़ करूँगा 4B, अच्छी पेंसिल है. और साथ ही साथ मैं यूज़ करूँगा अप्सरा की नॉन डस्ट इरेजर, देख सकते हैं आप, इसमें अच्छी इरेजर. तो और इससे पहले भी आपको कुछ प्रैक्टिस की मैंने वीडियो दे रखी है लाइन्स की, तो आप उसे भी देख लीजिए. चलिए शुरू करते हैं हम. तो चलो बोर्ड में थोड़ा सीधा करूँ, आई होप आप तो अच्छे से दिख जाए. तो चलिए देखते हैं, हम शुरू करेंगे. सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे सर्कल, देख रहे हैं, और अच्छे से इसको एकदम सर्कल ही होना चाहिए, ना कि ओवर ये. तो आप इसको अच्छे से इसको ड्रॉ करें और साथ ही साथ इसमें छोटा एक सर्कल और यूज़ करेंगे, देख रहे हैं आप, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए. और इन दोनों सर्कल के बीच में हम एक अंदर की तरफ कर्व लाइन बना देंगे और इसी सर्कल की लाइन को पकड़ के ऊपर की तरफ हम इसको ड्रॉ कर देंगे. ठीक है गाइस, तो आप देख रहे हैं इसको किस तरीके से मैं इसको कर रहा हूँ. और ऐसे ही देखिए, ये तो इस साइड की नोज बन गई है हमारी. और ऐसे ही इधर सर्कल बनाएंगे हम, वही बड़ा थोड़ा सा, तो थोड़ा छोटा सर्कल इधर, ज़्यादा छोटा ना हो, थोड़ा सा ही, और माइनर उसमें फर्क होना चाहिए. और इसको भी हमने ऊपर की तरफ कर दिया हम, तो यू कैन सी दैट कि इधर लेफ्ट राइट नोज हमारी बन गई है. जो साइड से हम फेस देखते हैं तो साइड नोज है. और बीच के जो सर्कल्स वगैरह जो हमने ये मेजरमेंट के लिए हमने लिया था इसके अंदर लाइंस, वो लाइंस हमने इरेज कर था. तो देखिए अब ये पूरा एक प्रॉपर नोज दिखाई दे रही है आपको, ठीक है. और देखिए थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देता हूँ क्योंकि इरेज करते टाइम भी थोड़ा इरेज हो गया. तो आप देखिए गाइस, ये वाली भी मैं इरेज कर देता हूँ, सर्कल्स जो मैंने लिए थे. ये एकदम जो है बेसिक है नोज बनाने के लिए, जो कि बिगिनर्स हैं मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड. तो ये सब आपको यूज़ होगा जब आप इमेजिनेशन, आप कोई फेस बना रहे हैं, पोर्ट्रेट बना रहे हैं, जो कि ज़्यादातर आपकी कॉम्पोजिशन में यूज़ होता है कॉलेज ऑफ आर्ट या वो सारे जो BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के जो कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर कॉम्पोजिशन टेस्ट होता है. या इमेजिनेशन आप कुछ अपना ड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ ये सब चीज़ें यूज़ होंगी आपकी. तो आप इसको अच्छे से देखिए पूरी वीडियो को, और बीच बीच में मैं आपको कुछ ना कुछ बताता हूँ. देखिए अब एक और मैं आपको बता देता हूँ, बीच में एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है, बिल्कुल सेम वही टेक्निक है. और साइड में वही सर्कल, एक छोटा सर्कल पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ सर्कल होना चाहिए, ध्यान रखिए. देखिए आप देख सकते हैं, और ऐसे ही सेम इधर बनाएंगे हम, सेम एकदम अपोजिट उसको. तो ठीक है, और इसको यहाँ से कर्व कर देंगे हम, और इधर इसको कर्व कर देंगे हम, दोनों को कर्व कर दिया हमने. और ये सर्कल की लाइन को इधर की तरफ ऊपर, और ऐसे ही इस इधर से पकड़ के ऊपर की तरफ हम इसको ड्रॉ कर देंगे. तो ये हमारी जो नोज जो ड्रॉ हुई है, आप देख सकते हैं फ्रंट नोज है, जिसको जैसे कि हम फेस को सामने से देखते हैं तो तब ये नोज ऐसी कुछ दिखाई देगी. ठीक है गाइस, और अच्छे से आप इसको वो कर दीजिए, इरेज कर दीजिए, जो आपने जो प्रपोर्शन के लिए लाइंस ली थी उनको आप इरेज कर दीजिए. तो आप तो इसको अच्छे से ही बनाएंगे आई होप,
आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ये तो मैं फटाफट आपको बना के दिखा रहा हूँ कि आप सीख सकें ये चीज़। और अब एक और नोज हम बनाएंगे इसके बाद में, पहले मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ लाइंस वगैरह, ठीक है गाइस। अब ये देखिए गाइस, एक और नोज का पैटर्न है हमारा, आप देख सकते हैं। पहले हम ट्राइंगल एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो नोज होगी, ये नोज हम बनाएंगे जैसे कि हम फेस को नीचे से देख रहे हैं, फेस को नीचे की तरफ से देख रहे हैं, तो ऐसे ही ये देखिए। अब मैंने साइड में कर्व कर दिया है इसको, और एक बीच में आपने देखा सर्कल बनाया ट्राइंगल के अंदर, और इसको हल्का हल्का से कर्व कर देंगे साइड से। तो गाइस ये सब आपको करना पड़ेगा। अब ये देखिए मैंने होल बना रहा हूँ नोज के, ये एकदम नीचे से जैसे देखते हैं फेस को, तो उसके अंदर ये यूज होती है ये वाली नोज, तो आप देख सकते हैं। अब ये सर्कल्स वगैरह मैं इसको इरेज कर दूंगा अच्छे से, और देखिए अब ये इरेज कर दिए मैंने आराम से। तो आप तो अच्छे से ही इसको बनाना है आपने, ठीक है गाइस। और देखते रहिए आप इसको, ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको कर्व कर रहा हूँ, थोड़ी डिटेलिंग की तरफ जा रहा हूँ मैं इसके। तो आप देखिए इसको इरेज कर दिया मैंने ये सर्कल्स वगैरह आप अच्छे से, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप उसकी प्रैक्टिस करिए। लाइंस, सर्कल्स, डायगोनल लाइंस होती हैं, ज़िगज़ैग लाइंस होती हैं। तो मेरा फर्स्ट लेसन जो था इस वीडियो में, मेरी वीडियो में, तो आप उसको देखिए और प्रैक्टिस शुरू करिए। और आप इसमें थोड़ा सा शेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, शेडिंग देखिए आप स्ट्रोक वाली शेडिंग कर सकते हैं, आप इसमें मिक्सिंग शेडिंग कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं एज इज यू लाइक। और ये थोड़ा सा 3D लुक लाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। बाकी आप तो पहले स्टार्टिंग में ड्राइंग ही करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग करिए, प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। और ये सब चीज़ें जो हैं मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन करी, मैं टेक्निक लगाता रहता था कि कैसे आप इसको बना सकते हैं और इजी क्या कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लेसन्स हैं जो आते रहेंगे मेरे इस चैनल पर, तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको आर्ट पसंद है, जो भी क्रिएटिव माइंड के हैं जिनको क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, तो मेरा चैनल उनको आप शेयर करिए, ताकि उनको वो सीख सकें, ताकि उनको कुछ नया पता चल सके मेरी वीडियो से। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देखिए आप, मैंने एक फ्रंट की नोज है, मैंने इस पर भी थोड़ा सा शेडिंग कर दिया है। और आप बाकी आप तो अच्छे से करिएगा इसको, ये तो मैं एज ए डेमो आपको दिखा रहा हूँ पास पास थोड़ा जल्दी में। तो देखिए आप, और पेंसिल जो है स्टार्टिंग में आप HB यूज़ करिएगा, तो HB जो है थोड़ा सा कम डार्क होती है वो। इसका कारण ये है कि आप जैसे इरेज, कोई गलती होगी तो इरेज करने के बाद वो दिखाई नहीं देगी पेंसिल, थोड़ा सा लाइट ही स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में अगर हम कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लाइट पेंसिल यूज़ करेंगे, लाइट लाइंस लगाएंगे, ये ना कि एकदम डार्क आपने लाइन यूज़ करा उसके ऊपर, तो फिर वो इरेज करने के बाद नीचे जो है उसमें इम्प्रेशन दिखता रहता है, तो वो चीज़ बहुत बेकार लगती है। तो स्टार्टिंग में हमेशा हम कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें वी शुड यूज़ HB पेंसिल या लाइटर टोन पेंसिल, ठीक है। तो अब देखिए इस पर भी मैं थोड़ी सी शेडिंग कर ही देता हूँ, तो देख सकते हैं आप और अच्छे से इस पर शेडिंग करेंगे गाइस, ये ना हो गए बस ऐसी शेडिंग। तो आप धीरे धीरे, मैं शेडिंग के लिए भी आपके लिए लाता रहूँगा। ये फर्स्ट हो गई हमारी, ये सेकंड हो गई, ये हमारा थर्ड हो गया, और ये हो गया हमारा फोर्थ, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ चुके होंगे, ये हमारा वन और ये हमारा डन हो गया है। तो अब देख लीजिए इसको, और आप इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे और आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड गॉड ब्लेस यू।